गुड मॉर्निंग। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका जीके का करंट अफेयर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है और ज़रूरी भी है। रीड करते हैं ना जो लिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है? Union of science and religion alone will help to place at Rajbagh in Pune, a city that nurtures education and knowledge. Philosopher Saint Sri Jnaneshwar World Peace Prayer Hall and World Peace Library. An effort by MIT World Peace University Pune to immortalize Mother India's message of world peace and universal brotherhood. अभी उन्होंने अभिषेक किया। कौन है ये? पहचानो। प्रवर्च्य भव्य प्रतिमा एकता एवं अखंडता। पी कश्यप और समृद्धि का हरा रंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्य द्वारा इतिहास की करवट बदलने का कारण। तो ये जो आपने इसमें देखा, इसके अंदर रणिल विक्रम सिंघे के बारे में कुछ बताया, ये भी अगर आप देखोगे तो आपके बुक में है। एक्चुअली कुछ मैंने क्या है, आप छोड़ो जरा से, चलो समझो आपके, लेकिन सिलेबस में ये है रणिल विक्रम सिंघी, ये रहे पीएम ऑफ श्रीलंका रणिल विक्रम सिंघी। आपने टॉलेस्ट स्टैचू भी पढ़ा था, अभी टॉलेस्ट स्टैचू भी आपने पढ़ा था, स्टैचू ऑफ यूनिटी आया ना, ये सब कुछ के आपके सिलेबस में है। तो आप कह रहे होंगे सर जो आपकी बुक में है ये यूट्यूब पर कैसा है? ये जो कुछ भी आपके, जैसे कि आपका एक और वर्ल्ड्स बिगेस्ट, जैसे चाइना मालदीव का क्रॉस सी ब्रिज अभी आपने देखा था, इंडिया इज सिक्स्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, ये भी आपने भी न्यूज़ में देखा, स्पाइस जेट फर्स्ट बायोफ्यूल टेस्ट फ्लाइट, ये भी आपने न्यूज़ में देखा। तो आप सोच रहे होंगे सर ये सारी चीज़ें न्यूज़ में कैसे आ रही है आपके बुक में है?
आप अगर अपनी बुक का करंट अफेयर्स की बुक खोलोगे तो आप कहोगे सर ये न्यूज़ में कैसे आ रहा है, ये तो बुक वाली चीज़ें न्यूज़ में कैसे आ रही है। बेटा करंट अफेयर्स का मतलब ये क्या है, जो चल रहा है, जो न्यूज़ में चल रहा है वो न्यूज ही तो है, ये करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर और कुछ नहीं न्यूज़ है। करंट अफेयर्स क्या है, कुछ नहीं न्यूज़ हैं। यानी कि अभी समझ सकते हो, अगर आप न्यूज़ देखते हो, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको करंट अफेयर्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काफ़ी सारे, क्योंकि न्यूज़ देखते ही देखते आपके करंट अफेयर्स बहुत सारे आपके याद हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। पर क्योंकि आप लोग न्यूज़ देखते नहीं हो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं पढ़ते हैं। अब पहले सर ये बता दो, सर पढ़ना तो दूर की बात है, पहले ये समझा दो ज़रा, बुक में दिया हुआ है आपने लिखा हुआ है, क्या बुक में से पढ़े इसमें से पढ़े आपकी इच्छा। पर मैं कहूँगा रीड एक बार बुक से कर लेना, पर लर्न इसी से करना। कैसे, आपके टोटल टू पेजेस में 20 या 26 के आसपास ये दिए हुए हैं ठीक है, आई थिंक 20 होंगे, ठीक है। अब आप बस 20 याद करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा सर ये 20 याद कैसे करूँगा, कैसे करूँ, ठीक है, क्योंकि 20 तो बहुत सारे हो गए, और 20 डेट्स याद करो, क्योंकि अब तो MCQ है, तो डेट्स की जगह आपसे ये भी पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग कलर किए हैं इसमें, दो कलर किए मैंने, और दो कलर का मतलब कि ऐसे दो MCQ बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप नीचे देखोगे तो मैंने तीन तीन कलर भी किए हैं, यानी कि ऐसे तीन MCQ बन सकते हैं, तो ये तो थोड़ा ख़तरनाक हो गया ना कि सर 20 पॉइंट हैं, 20 में से तीन तीन MCQ बनेंगे, 60 MCQ हो गए, तो कैसे याद होंगे सर इतने सारे। तो उसी के लिए मैंने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे कि ये कितने हैं, अगर स्पेस पर देखना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी ऑन द बेस ऑफ नंबर आपको टॉपिक याद रख लेने की, ऑन द बेस ऑफ नंबर की वो 6 MCQ है। आपको समझना ही नहीं है कि कितने हैं, 20 हैं, आपको ऐसा सोचना ही नहीं कि 20 हैं, आप ये सोचो कि केवल 6 हैं, केवल कितने हैं 6 हैं। जब ये लर्न हो जाए तो समझ लेना सर ये दो 6 खत्म हो गया। अब ये सोचो ऑन द बेस ऑफ अवार्ड, ये नया टॉपिक आ गया, नया टॉपिक में कितने, केवल 4, कितने हैं 1 2 3 एंड 4, समझ लो ये भी खत्म हो गया। फिर ऑन द बेस ऑफ मेमोरी, सर मेमोरी के बेस पर कितने हैं, केवल 2, हो गया खत्म। ऐसे क्या करो, टॉपिक वाइज इनको मैंने क्या किया, डिवाइड किया है, ताकि आप उसको 20 ना मानकर अलग अलग चैप्टर मानो, अलग अलग चैप्टर मानोगे तो छोटा छोटा चैप्टर बन जाएगा। हर बार आपको दो दो तीन तीन याद करने से, यहाँ पे 3 आपको याद करने हैं, इनॉग्रेशन में आपको 1 2 3 4 5 याद करने हैं बस, और PM CM के नाम से आपको 3 याद रखने हैं, और टॉप नेम के आपको आगे 2 नाम याद रखने हैं। तो आप इस तरह से क्या हो जाएंगे, मैंने आपको कितने कैटेगरी डिवाइड की है देखोगे आप, एक आपका ये है ऑन द बेसिस ऑफ टॉप नेम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ PM प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वो PM CM प्रेसिडेंट, यानी दो कैटेगरी हो गई, ये थर्ड कैटेगरी हो गई इनॉग्रेशन ऑफ PM, ये फोर्थ कैटेगरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स बेसिकली रिकॉर्ड्स, और ये फिफ्थ कैटेगरी होगी आपकी ऑन द बेस ऑफ मेमोरी, ये सिक्स हो जाएगी आपके ऑन द बेस ऑफ अवार्ड, और ये लास्ट आपकी सेवन्थ हो जाएगी ऑन द बेस ऑफ नंबर। यानी कि बेसिकली मैंने क्या किया, आपके दो चैप्टरों को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे 7 पार्ट, छोटे छोटे 7 पार्ट, तब इनको दो चैप्टर ना समझ के, दो पेजेस ना समझ के, आप 7 पार्ट समझ के एक एक करके याद करो। कैसे याद करो, एक एक कर कर, तो एक एक करके अगर आप देखोगे सर ये 5 हैं, इनको याद करने में ये 6 हैं, कितने प्रॉब्लम, कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स बेसिकली, और 10 मिनट्स देकर तो आप याद कर सकते हो ना। तो इस तरह से आपको क्या होगा, आधे घंटे में, एक घंटे में आपके पूरे याद हो जाएंगे, जो आपको मतलब 4-5 घंटे भी आप लगा लेते 20 में तो आपको याद नहीं होते। अब आपको ये बेसिकली एक घंटे से भी कम टाइम में इजीली याद हो जाएगा अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो। तो पहले समझ लो बेसिकली है क्या इसके अंदर, मैं आपको अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, नोटबुक से, आप अपनी बुक से, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा एक बार रीड कर लेना, समझा तो मैं यहाँ पे रहा हूँ सेंटेंस मत लो, लेकिन फिर भी एक बार बुक से रीड कर लेना बस, ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट बनी रहे, एक बार बुक से रीड जरूर कर लेना जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं इंडिया 6th बिगेस्ट इकोनॉमी 12th जुलाई 2018, सर मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या लिखा है इस लाइन का, मतलब बेसिकली अगर अभी आपने न्यूज़ देखी हो तो कौन सी न्यूज़ की बात कर रहे हो सर, मैं न्यूज़ देखती कौन, अगर आप ये देखोगे तो क्या इसमें बोल रहे हैं, जरा देख रहा पढ़ना जरा,
इंडिया इज वर्ल्ड्स सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, दिस इज हुम इट बीट बाय फ्रांस हो गए थे। इंडिया इज नाउ द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आगे देखते हैं सेवेंथ पे कौन है फिर। दिस इज आफ्टर इंडिया जीडीपी वाज लॉक्ड एट 2.59 ट्रिलियन डॉलर ट्रिलियन। इंडिया बीट फ्रांस, ओके, यानी कि पहले इंडिया किस नंबर पे था, पहले इंडिया सेवेंथ नंबर पे था। पहले इंडिया जीडीपी के टर्म्स, अब जीडीपी क्या होता है इसको छोड़ दो क्योंकि जीडीपी अभी आपको नहीं समझ आएगा। जीडीपी मतलब समझ लो एक पोजीशन है, ठीक है, मतलब एक जीडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब मैं समझा दूं क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी आपके इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, यानी जितने भी सामान बनते हैं बेसिकली उस चीज़ को हम बोलते हैं जीडीपी, ठीक है, बस मैं यहाँ याद रखूँ। तो वो कह रहा है कि सामान बनाने के मामले में इंडिया आज के टाइम पर सिक्स नंबर पर है। इंडिया आज के टाइम पर कितने कौन से नंबर पर है, सिक्स नंबर पर है, लेकिन पहले था ये सेवन्थ नंबर पर, लेकिन अब सेवन्थ नंबर पर कौन हो गया है, फ्रांस, यानी कि इंडिया ने फ्रांस को बीट कर दिया। यानी पहले फ्रांस तो सिक्स नंबर पर था, लेकिन अब फ्रांस सेवन्थ पे हो गया और इंडिया पहले सेवन्थ पर था, किस पे हो गया, सिक्स नंबर पर हो गया है। तो किस मामले में सिक्स नंबर पर हो गया है, सामान बनाने के मामले में, तो उसको बोलते हैं इंडिया इज द सिक्स बिगेस्ट इकोनॉमी, तो सर ये मैं मालूम किस दिन पढ़ा, ये चीज डिक्लेयर कब हुई कि इंडिया सिक्स नंबर पे आ चुका है, इंडिया सिक्स पोजीशन पर आ चुका है, ये पता कब चला, तो ये पता कब चला, तो उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है, 12th जुलाई 2018, ठीक है, 12th जुलाई 2018, ठीक है। अभी लिखा हुआ है स्पाइसजेट इज द फर्स्ट बायोफ्यूल टेस्ट, स्पाइसजेट फर्स्ट बायोफ्यूल टेस्ट फ्लाइट। क्या कह रहा है बायोफ्यूल, मतलब एक्चुअली बायोफ्यूल क्या होता है समझो जरा, स्पाइसजेट क्या है, स्पाइसजेट एक कंपनी है, स्पाइसजेट क्या है, एक एरोप्लेन कंपनी है, ये क्या है, एरोप्लेन कंपनी है जो क्या करती है, एरोप्लेन चलाती है, ठीक है, रोड पर चलाते हैं एरोप्लेन हवा, ठीक है, आसमान में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एरोप्लेन चलते किसके हैं, पेट्रोल से या डीजल से, सर ना तो पेट्रोल से चलते हैं ना डीजल से चलते हैं, उनमें चलता है एवियन टर्बाइन फ्यूल, यानी एक हवाई जहाज वाला डीजल, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वाला डीजल, ठीक है। तो बेसिकली सारे एरोप्लेन कैसे चलते हैं, एरोप्लेन वाले डीजल से। पर फर्स्ट टाइम क्या क्या है, स्पाइसजेट ने फर्स्ट टाइम ना बायोफ्यूल से चलाने की कोशिश की। बायोफ्यूल मतलब क्या, कोयले वगैरह कंडे वगैरह से उसको चलाने की कोशिश की, और उनकी फ्लाइट चल भी गई थी, उनकी फ्लाइट उड़ भी गई थी, समझ में आया। तो सर स्पाइसजेट ने फर्स्ट टाइम बायोफ्यूल से फ्लाइट कब चलाई थी, तो वो है डेट 27th अगस्त। सर याद नहीं हो रहा है, अरे याद अभी तो मैं समझा रहा हूँ ना, याद कहाँ से हो जाएगा, तो मैं समझा रहा हूँ आपको समझने पे यार, फोकस दो कि क्या क्या मीनिंग है लाइनों का, ठीक है, क्या क्या मीनिंग है लाइनों का। पर ध्यान रखना, मैं अब भी कह रहा हूँ आपसे बार बार, बुक से एक बार ये पूरे पैराग्राफ रीड कर लेना, ठीक है। थर्ड क्या लिखा हुआ है, चाइना मालदीव फर्स्ट क्रॉस द फ्रेंडशिप ब्रिज। ओहो क्या फ्रेंडशिप की बात की जा रही है यहाँ पर। चाइना पता, चाइना क्या है, एक कंट्री है सर, ठीक है। मालदीव क्या है, मालदीव एक आइलैंड है। तो वो कह रहा है चाइना और मालदीव ना है तो दूर दूर, तो दोनों ने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाकर, क्या किया, चाइना से लेके मालदीव तक का एक ब्रिज बनाया। आई थिंक आपने देखा भी हो, ध्यान दिया हो आपने, ये ब्रिज है किसके ऊपर है, ओशन के ऊपर है, पूरा सी के ऊपर, और जिस मालदीव से होके चाइना तक है ना, इतना बड़ा बना हुआ है ये, चाइना से होके कहां तक जाता है, मालदीव तक, देखो कितना बड़ा है ये मालदीव है, ये छोटा सा आइलैंड, ये पूरा आइलैंड मतलब मालदीव, ये फिर ये घूम घाम के पता नहीं कहाँ पे आता है, चाइना जाता है, कहाँ पे आता है ये पूरा ब्रिज, चाइना। ठीक है,
तो सर चाइना और मालदीव के बीच में ये ब्रिज कब बना, ये ब्रिज कब बना आपकी डेट याद रखनी होगी। तो ब्रिज कब बना था आपका, 30th अगस्त 2018, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अच्छा ये है, चलो ठीक है, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो जरा। सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा पता है ना कौन है, इन इंडिया, इनॉग्रेटेड बाय बिहार सीएम, इनॉग्रेटेड बाय बिहार सीएम नीतीश कुमार, बिहार सीएम नीतीश कुमार। तो वो कह रहे हैं इंडिया में, इंडिया का सबसे बड़ा सेकंड लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू, सबसे बड़ा लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू कहाँ पर है, एक तो बिहार में है, और उनका इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है समझ लो, इनॉग्रेशन मतलब होता है जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे आप क्या होता है, बर्थडे होता है, बर्थडे तो बर्थडे पर केक कौन काटता है सर, जिसका बर्थडे होता है वही काटता है, ठीक है। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, मतलब इनॉग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, आपने कभी देखा है जब किसी के घर पर गाड़ी वगैरह आती है कोई, या कोई नया घर वगैरह लेता है, तो उन गाड़ी में घर के बड़े फीता बना होता है, क्या बना होता है, एक फीता बना होता है, तो कोई ना कोई इंसान उस फीते को काटता है, सीजर से उस फीते को क्या करता है, काटता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं इनॉग्रेशन करना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इनॉग्रेशन करना, या फिर आप कह सकते हो इनॉग्रेशन मतलब एक तरह का फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन, यानी जैसे आपने नया घर खरीदा ठीक है, तो आप पहले दिन एक फंक्शन रखते हो, क्या रखते हो, एक फंक्शन रखते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनॉग्रेशन। तो वो कह रहे हैं कि जब लॉर्ड बुद्धा का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू बना था, लॉर्ड बुद्धा का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू बना था इंडिया में, तो उसका इनॉग्रेशन किसने किया था, एक तो ये एमसीक्यू बन सकता है, तो एमसीक्यू आपको याद रखना है कि बिहार के सीएम, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने किया था, ठीक है। और दूसरा एमसीक्यू जो डेट बन सकती है, डेट तो सर सुबह में बनेगी बनेगी, और सर किस दिन इनॉग्रेशन हुआ था इसका, 25 नवंबर 2018, ठीक है, ओके, ये समझ रहा। हिंदी इज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी, यानी वो कह रहा है अबू धाबी क्या है, अबू धाबी एक कंट्री है, अबू धाबी क्या है, एक मतलब एक आप कंट्री कह लो या आइलैंड कह लो, मतलब है एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो क्या यहाँ, अब देखो मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम कंट्री मुस्लिम लोगों की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ऑफिशियल अरेबिक ना, अभी भी आप हिस्ट्री में पढ़ के आए, ऐसे मत भूलना मत, ठीक है, क्या होती है अरेबिक, ठीक है। तो इनकी फर्स्ट लैंग्वेज, इनकी फर्स्ट प्राइमरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है, अरेबिक, क्या है, अरेबिक। सेकेंड क्या है इंग्लिश। लेकिन टेंथ, लेकिन उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि अब हमें इंडियन लोगों से भी क्या करना होता है, बिजनेस करना होता है, अब सारे इंडियंस को इंग्लिश तो आती नहीं है, तो क्या करना है, हमें भी हिंदी सीखनी चाहिए। तो हिंदी सीखने की वजह उन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बना डाली, उन्होंने कहा अब से हिंदी भी हमारे कंट्री की क्या रहेगी, थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। यानी कि उन्होंने ये चीज़ कब डिक्लेयर की, उन्होंने कब बोला कि हिंदी हमारी कंट्री की, हमारी मतलब हमारी नहीं, अबू धाबी की ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी। तो थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनी थी, 10th फरवरी 2019, ठीक है, ये याद रखना है ना, 10th फरवरी 2019। नेक्स्ट क्या है, हज़ा अल मंसूरी। सर ये क्या है, ये मंसूरी की बात हो रही है बेटा, मंसूरी जगह घूमने वाली जगह की बात हो रही है, ये नाम है, एक इंसान का नाम है हज़ा अल मंसूरी ऑफ फ्रॉम ओमन। ओमन क्या है, कंट्री है, ये क्या है, ये अरब की एक क्या है, कंट्री है, ठीक है, ओमन। तो हज़ा अल मंसूरी कहाँ से बिलोंग करते थे, ओमन से बिलोंग करते थे। इनका क्या था, इनका एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट था, इनका एस्ट्रोनॉमी में क्या था, इंटरेस्ट था। सर एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, स्टडी अबाउट या स्टडी ऑफ स्पेस, इनको एस्ट्रोनॉट बनना था, इनको एस्ट्रोनॉट बनना था। और अरब से ना कोई भी ना मतलब, अब मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कि मैं आपको 2 मिनट रुकूँ, है ना,
एक्चुअली में क्या करता है, आपको इसकी फुल फॉर्म दिखा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, तो क्या है उसका मीनिंग समझो जरा। हजाल मंसूरी का स्पेस इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। तो ये अरब के, ये क्या थे, अरब के पहले एस्ट्रोनॉट थे, अरब के पहले एस्ट्रोनॉट थे जो कहाँ पे गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सर डेट क्या थी वो, ये डेट कौन सी थी सर जिस दिन ये गए थे, जिनको इनको चांस मिला था जाने का, 24 सितंबर 2019। ओके सर, ये तो आपने पढ़ा दी सर, अभी याद कैसे होंगे, ये याद कैसे होंगे, सिक्स है ना, ये याद कैसे होंगे, ये आपको याद कैसे होंगे। तो आप ऐसा करो, इनको ऑर्डर बनाओ, इनके क्या बनाओ, एक ऑर्डर बनाओ सर, क्या 10, 12, 24, 25, 27, 30, एक डेट इनके ऑर्डर से बना लो, डेट क्या बना लो, इनके ऑर्डर से बना लो, 10, 12, 25, 27, 30, 10, 12, 25, 27, 30, ऐसे नंबर कोई बोलो मेरे साथ बोलो, 10, 12, 25, 27, 30, 10, 12, 25, 27, 30, 10, 12, 25, 27, 30, आँख बंद करके बोलो मेरे साथ, बस काम खुले रखना, 10, 12, 25, 27, 30। सर आपको हिंदी में नहीं बोलना, इंग्लिश में बोलना है, तो 10, 12, 10, 12, 25 है ना, 10, 12, 25, 27, 30, 10, 12, 25, 27, 30, 10, 12, 25, 27, 30, ऐसे बोलो, या फिर 10, 12, 25, 27, 30 ऐसे बोल दो आपकी इच्छा, तो मैं ऐसे बोलूँ 10, 12, 25, 27, 30, 10, 12, 25, 27, 30, 10, 12, 25, 27, 30, 10, 12, 25, 27, 30, 24 तो रह गया, कोई बात नहीं, दोबारा से इंक्लूड कर लेते हैं, 10, 12, 24, 27, 25, 30, सर उल्टा क्यों बोल दिया, 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30। सर कौन कौन सी डेट है सर, मैं तो भूल रही हूँ, अब भूल रहे, भुलक्कड़ हो गए, लिख लिख के याद करो, फिर ऐसे याद नहीं करता बोल बोल के, क्या क्या डेट है, थप्पड़ खाओगे मेरे हाथों से, अच्छा नहीं है। 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30, यानी आपको ये तो याद हो गया, ऑन द बेस ऑफ नंबर, हम क्या क्या याद करते अभी फर्स्ट टॉपिक में क्या याद, ऑन द बेस ऑफ नंबर, तो नंबर के बेस पे हमने कुछ नंबर याद कर लिए, नंबर के बेस पे हमने कुछ नंबर याद कर लिए, तो कौन कौन से नंबर याद किए, 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30, तो उससे आपको नंबर याद हो गया, ठीक है। पहले तो आपको नंबर याद हो गया, यानी आपको डेट याद हो, डेट याद हो गई सर, अभी कहाँ याद हुई, महीना तो याद हुआ नहीं, ईयर तो याद हुई नहीं, मंथ बाद में, एक एक करके याद करो बेटा, एक एक करके, एकदम से सारी चीज़ याद करोगे तो नहीं हो पाएगा, एक एक करके याद करो, एक एक करके याद करो, तो 10, 12, 24, 25, 27, 30 हो गया। अब देखो ये 10 कौन सा है, ये 12 कौन सा है, ये 24 कौन सा है, ये 25 कौन सा है, ये 27 कौन सा है, ये 30 कौन सा है, यानी कि इनका मंथ और ईयर, इनका मंथ और ईयर। तो देखो 10 फेब है आपका, 10th का तो फेब है, ठीक है, 12th का जुलाई है, 24th का जुलाई है, 24th का आपका सितंबर है। बेसिकली मेरे तरीके आपको याद करने का, आपको दूसरे तरीके से याद करना, दूसरे तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। 25th है आपका नवंबर का,
25th आपका नवंबर का, 27th है आपका अगस्त का, 30 भी है आपका अगस्त का। सर अगर हमें आप इसको ऐसे पढ़ोगे 10, 12, 24, 25, 27, 30 फरवरी, जुलाई, सितंबर, नवंबर, अगस्त, अगस्त, ऐसा अब याद नहीं हो रहा, ऐसे अब याद नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा करो आप नंबरों को चेंज कर लो, नंबरों के ऑर्डर को चेंज कर दो कि मंथ थोड़ा ईजी हो जाए, फिर आप कैसे मंथों को याद करोगे। अब आप नंबरों को ऑर्डर में नहीं ऐसे याद करो, 12, 27, 30, 25, 10, 24, 24, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप ऐसे याद करो 10, 12, 24, 25, 27, 30 ऐसे याद हो गया। 10 फरवरी है, 12 जुलाई है, 24 सितंबर है, 25 नवंबर है, 27 अगस्त है, 30 अगस्त है। सर ये कैसे याद होगा? ये 2-3 बार रीड करना, 2-3 बार याद हो जाएगा। आप बेसिकली ये प्राइमरी डेट्स याद कर लो, ये मंथ्स वगैरह आपको याद हो जाएंगे जब 2-3 बार रीड करोगे, ठीक है। आप सर इनका कंटेंट कैसे याद रखें कि 10 फरवरी को क्या हुआ, 12 जुलाई को क्या हुआ, 24 सितंबर को क्या हुआ, 25 नवंबर को क्या हुआ, 27 अगस्त को क्या हुआ, 30 अगस्त को क्या हुआ? तो देखते हैं, पहले 10 फरवरी को देखते हैं। 10 फरवरी को देखो, 10 फरवरी को, 10 फरवरी को 3 लैंग्वेज, 3rd लैंग्वेज इंक्लूड हुई थी। कहाँ पर हुई? अबू धाबी ने 3rd लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में, सॉरी अबू धाबी ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया था। अबू धाबी यानी कंट्री बेटा है ना, तो अबू धाबी कंट्री ने क्या किया था, यानी अबू धाबी की कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या किया था, हिंदी को अपनी 3rd ऑफिशियल लैंग्वेज माना, 3rd ऑफिशियल लैंग्वेज माना। तो 10 फरवरी में क्या है, 10 फरवरी में क्या है 10th ऑफ फेब में क्या है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 10th ऑफ फेब में क्या है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 10 फरवरी ऑफिशियल लैंग्वेज, 10 फरवरी हिंदी की लैंग्वेज, 10 फरवरी हिंदी की डेट, 10 फरवरी क्या है, हिंदी की डेट है, 10 फरवरी क्या है आपकी, हिंदी की डेट है। हिंदी की डेट से मतलब क्या, 10 फरवरी हिंदी की डेट है, हिंदी की डेट से मतलब क्या, अबू धाबी ने हिंदी को 3rd ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड किया था, ठीक है। 10 फरवरी हिंदी की डेट है, ध्यान रखना 10 फरवरी क्या है आपकी, हिंदी की डेट है, 10 फरवरी क्या है आपकी, हिंदी की डेट है। 12 जुलाई किसकी डेट है बेटा, 12 जुलाई ना इंडिया की डेट है, 12 जुलाई क्या है, इंडिया की डेट है, 12 जुलाई क्या है, इंडिया की डेट है। सर इंडिया की डेट मतलब क्या, इस दिन इंडिया को 6th बिगेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया गया था इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। सर जीडीपी याद रखना है, नहीं रहने दो, बस याद रखना इंडिया को 6th बिगेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर किया गया था 12 जुलाई को, यानी 12 जुलाई क्या है आपकी, 12th जुलाई इंडिया की डेट है। सर 10th फरवरी हिंदी की डेट थी और 12th जुलाई इंडिया की डेट है, 10th जुलाई इंडिया की डेट है। 24th सेप्टेम्बर किसकी डेट है, 24th सेप्टेम्बर आई थिंक आपके अबू धाबी स्पेस की डेट है। 24th सेप्टेम्बर क्या है, हज्जा अल मंसूरी कहाँ गए थे, स्पेस गए थे, आईएसएस गए थे। तो आपको इसको कैसे याद रख सकते हो, 24th सेप्टेम्बर S for September, S for ISS, यानी 24th सेप्टेम्बर ISS की डेट है। 24th सेप्टेम्बर किसकी डेट है, ISS की डेट है। तो कैसे याद होगा, ये तीन तो आपको याद हो जानी चाहिए, सर कैसे याद हो, 10 फरवरी हिंदी की डेट है, 10 फरवरी किसकी डेट है, हिंदी की डेट है, हिंदी की डेट है। 10th, 12th जुलाई किसकी डेट है, इंडिया की डेट है, 10th जुलाई किसकी डेट है, इंडिया की डेट है। 24th सेप्टेम्बर किसकी डेट है, ISS की डेट है, ISS की डेट है, ISS की डेट है। अब बेसिकली मैं याद करने का काम कर रहा हूँ, समझाने का काम मैंने पहले कर दिया, तो ये मत बोलना सर ISS हमें मीनिंग भूल गई। तो ISS का मीनिंग क्या है, वो हंजा और अल मंसूरी जो भी नाम है उनका, वो कहाँ गए थे, वो फर्स्ट एमिराती यानी फर्स्ट अरेबियन थे जो कहाँ गए थे, ISS में ट्रेवल करने के लिए गए थे। 24 जुलाई इंडिया की डेट से मतलब क्या, इंडिया की डेट मतलब क्या, इस दिन इंडिया को 6th बिगेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर किया गया था। हिंदी की डेट है 10th फरवरी, इसका मतलब क्या है कि अबू धाबी ने हिंदी को अपनी 3rd ऑफिशियल लैंग्वेज माना था, ठीक है। तो ऐसे याद हो गए आपको, 10 फरवरी हिंदी की डेट, 12 जुलाई इंडिया की डेट, 24 सेप्टेम्बर ISS की डेट, ठीक है। और 25th नवंबर, 25th नवंबर किसकी डेट है, 25th नवंबर को बेसिकली क्या हुआ था, बुद्धा की डेट है। 26th नवंबर किसकी डेट है, बुद्धा की, किसकी डेट है, बुद्धा की। 25th नवंबर किसकी डेट है, बुद्धा की। सर कैसे याद रखोगे 25th नवंबर बुद्धा की डेट है, नवंबर सबसे लास्ट का डेट है, नवंबर सबसे क्या है, लास्ट के मंथ होते हैं, नवंबर दिसंबर लास्ट के मंथ है। सर लास्ट का टाइम है, लास्ट का टाइम यानी लास्ट के टाइम पे लोग बुढ़े हो जाते नहीं होते हैं, जब लोगों का लास्ट का टाइम चला तो बुढ़े हो जाते नहीं होते हैं। तो 24th नवंबर किसका डेट है, बुढ़ों का डेट है, बुढ़ों की डेट है, डेट है बुड्ढों की डेट है। सर बुड्ढे मतलब बुद्धा, यहाँ पे याद रखें बुड्ढा मतलब क्या, यहाँ पे बुद्धा याद रखें ना, इंसल्ट नहीं कर रहे हम उनकी, हम केवल अपनी याद करने का ट्रिक बना रहे हैं, हम अपनी क्या करें, याद करें बस इजी कर रहे हैं थोड़ा।
25 नंबर किसकी डेट है? बुड्ढे की डेट है। किसकी डेट है? बुड्ढे की, बुड्ढे लोगों की, यानी बुद्धा की, यानी कि बुद्धा की। सर बुद्धा से मतलब क्या? इस दिन सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा बना था। सर किसने इनॉग्रेट किया था उसको? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। या फिर ऐसे याद रखो तो 25 सितंबर किसका डेट है? एन फॉर नीतीश कुमार का। ऐसे याद रख लेना, ये इजी रहेगा। 25 सितंबर किसकी डेट है? नीतीश कुमार की। एन फॉर नीतीश, एन फॉर नवंबर, एन फॉर नीतीश कुमार, एन फॉर नवंबर, एन फॉर नीतीश कुमार। एंड 25 नवंबर किसकी डेट है? नितिन कुमार, नीतीश कुमार की। 25 सितंबर किसकी डेट है? नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार कौन है? बिहार के सीएम, बिहार के सीएम। बिहार के सीएम ने क्या किया था? सर बिहार के सीएम ने सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा को क्या किया था? इनॉग्रेट किया था, इनॉग्रेट किया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं 27 अगस्त और 30 अगस्त। और 27 अगस्त को क्या हुआ था? स्पाइस जेट ने क्या किया था? बायोफ्यूल टेस्ट फ्लाइट की थी। बायोफ्यूल का एक टेस्ट फ्लाइट थी, टेस्ट फ्लाइट मतलब एक रफ फ्लाइट। इस दिन पैसेंजर को नहीं बिठाया जाता, खाली एरोप्लेन चलाया था, खाली एरोप्लेन चलाया था। और 26 अगस्त को क्या किया था? फर्स्ट बायोफ्यूल टेस्ट फ्लाइट की थी स्पाइस जेट ने। तो 30 अगस्त को क्या किया था? चाइना मालदीव का एक फ्रेंडशिप ब्रिज बना था। चाइना मालदीव का क्या बना था? एक फ्रेंडशिप ब्रिज बना था। तो इसको कैसे याद रखोगे अगस्त को? तो देखो ये क्या है, ए आपका ए बी सी डी में फर्स्ट अल्फाबेट है। ए आपका क्या है? ए बी सी डी में क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट है। तो ए फोर फर्स्ट अल्फाबेट है, और ए फोर मतलब फर्स्ट ही कम हुए, यहाँ पे फर्स्ट ही कम हुए। सर क्या कम हुए? 27 अगस्त को फर्स्ट स्पाइस जेट ने बायोफ्यूल टेस्ट फ्लाइट की थी, फर्स्ट बायोफ्यूल टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, 30 अगस्त को क्या होता? फर्स्ट क्रॉस सी फ्रेंडशिप ब्रिज बना था, फर्स्ट क्रॉस सी फ्रेंडशिप ब्रिज बना था। तो ए फोर फर्स्ट लेटर और ए फॉर फर्स्ट काम हुए थे। ठीक है, तो यानी कि आपको सिक्स बड़े इजीली आपको याद हो जाएंगे। सर 10, 12, 24, 25, 27, 30, 10, 12, 24, 25, 27, 30। पहले तो ये नंबर आपको याद होने चाहिए, 10, 12, 24, 25, 27, 30। 10 क्या था? सर 10 फरवरी हिंदी की डेट है, 10 फरवरी हिंदी की डेट है। 12 जुलाई आपकी इंडिया की डेट है। 10, 12, 24, फिर 24 आपका सेप्टेम्बर था एस फॉर आई एस एस, फिर 24 सेप्टेम्बर आपकी आई एस एस की डेट है। 10, 12, 24, 25, 25 नवंबर एंड फॉर नीतीश कुमार, 25 नवंबर नीतीश कुमार की डेट है। 10, 12, 24, 25, 27, 30 यानी अगस्त है ना, 27, 30 क्या है? अगस्त है ना। ए फॉर फर्स्ट लेटर है अल्फाबेट का, तो फर्स्ट का हुए आप, यानी 27 अगस्त को फर्स्ट बायोफ्यूल टेस्ट फ्लाइट हुई है। और 10, 12, 24, 25, 27, 30 और 30 अगस्त को फर्स्ट क्रॉसिंग फ्रेंडशिप ब्रिज बना है चाइना मालदीव के बीच में। ठीक है, याद हो गया? आंखों से आपको ऐसा सुन लेनी है मेरी बातें और खुद बोल लेनी है। ठीक है, तो आपको ये सिक्स बड़े इजीली याद हो गए। सर कितना टाइम लगा इनको याद करने में? बेसिकली आपको कितना टाइम लगा इनको याद करने में? आधा घंटा लग गया। ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया भी था ना आपको, समझाया भी था और आधा घंटा लग गया मैं। ठीक है, समझाने के बाद याद कर लेंगे, कोई बात नहीं, इतना टाइम तो लगता ही है। ठीक है, इतना टाइम तो लगता ही है। सर याद नहीं हुआ सर? अरे बेटा एक बार में याद नहीं होगा, मुझे तो हो गया पर आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए आपको याद नहीं हुआ। आप इस वीडियो को पॉज करके इतना दौर से देखो, आगे बढ़ो ही मत, अगर याद नहीं हुआ तो आगे बढ़ो ही मत। बेटा मैं जीके में स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, जीके में बहुत सारे डेटा आएंगे इस चैप्टर के अंदर, और जीके में है भी बहुत मतलब अजीब चीज़ होती है जीके में, तो जीके साथ के साथ अगर याद करते चलो तो ईजी तो अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि पहले रीड कर लो फिर बाद में लर्न कर लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये पढ़ा पॉज कर लो, ये आगे मत बढ़ो, जब तक ये याद ना हो जाए तब तक आगे ही मत बढ़ो, तब तक आगे ही मत बढ़ो। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े छोटे छोटे, चार डेट हैं, चार डेट से बेसिकली यहाँ पे तो अवार्ड याद रखने हैं। देखो क्या लिखा है, ऑन द बेस ऑफ अवार्ड्स, यानी ऑन द बेस ऑफ अवार्ड, यानी कुछ लोगों को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, कुछ लोगों को क्या मिले हैं? कुछ अवार्ड्स मिले हैं। तो चार लोग हैं, चार अवार्ड मिले होंगे, चार अवार्ड मिले होंगे। तो पहले अवार्ड के नाम याद रखने हैं, बाद में डेट याद रखनी है। अवार्ड के नाम याद रखने हैं, अवार्ड की डेट याद रखनी है। ठीक है, तो पहला था रमन मैगसेस्य अवार्ड। ठीक है, अजीब नाम है ये, किसको मिला था? रवीश कुमार को। रवीश कुमार आप जानते हो कौन है? इंडिया के फेमस जर्नलिस्ट हैं। सर जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो न्यूज़ पर आते हैं, जो न्यूज़ एंकर होते हैं ना, उसी टाइप के हैं ये। रवीश कुमार बेटा बहुत नाम है इनका। आपने रवीश कुमार के बारे में अगर नहीं सुना ना तो मैं तो नहीं दिखाएगा, टाइम वेस्ट होगा हमारा। आप सर्च करना, आप इनके बारे में क्या करना, सर्च करना रवीश कुमार करना, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं। तो इनको एक, क्योंकि सब बहुत फेमस हैं इसलिए इनको क्या मिला था? इनको एक अवार्ड मिला था। कब मिला था? सर
2019 यानी एक साल पहले की बात है कि हमें कौन सा अवार्ड मिलता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, अगर एशियन लैंग्वेज में हम एशियन लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज बोलते हैं। यानी हमारे इंडिया में इसको नोबेल प्राइज बोलते हैं, पर बाकी कंट्री में इसको क्या बोलते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड बोलते हैं। तो रमन अवार्ड यानी मैग्सेसे अवार्ड। तो सर रमन मैग्सेसे अवार्ड पूरा याद रखना है, पढ़ लेना, दो तीन बार जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन नहीं होता, पढ़ना याद हो जाएगा सर, नहीं हो पढ़ना याद हो जाएगा सर, नहीं हो पढ़ना याद हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना सर, नहीं हो फिर भी बड़ा खतरी अजीब सा नाम है मैग्सेसे अवार्ड। अरे मैं कह रहा हूँ पढ़ना याद होगा सर, समझो मेरी बात को, अगर नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो क्या करना, रमन अवार्ड याद रखना, एमसीक्यू है ना, तो आधा नाम तो आपको मिल ही जाएगा ना, आधा नाम तो आपको मिल ही जाएगा। अब रमन याद रखना, रमन अवार्ड याद रखना सर, आर फॉर रमन अवार्ड, आर फॉर रवीश कुमार सर, रमन अवार्ड किसको मिला, रवीश कुमार को, आर फॉर रमन अवार्ड, आर फॉर रवीश कुमार, आर फॉर रमन का मो वो रमन अवार्ड, आर फॉर रवीश कुमार। ठीक है, रावण अवार्ड मत कर देना सर, आर फॉर रावण का अवार्ड, आर फॉर राम कुमार, ऐसा कुछ मत कर लेना, रावण राम यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, आर फॉर रमन अवार्ड, आर फॉर रवीश कुमार सर कब मिला, 2 अगस्त को सर। अगस्त को क्यों मिला, क्योंकि एशियन वर्जन है ना, ए फॉर एशियन, ए फॉर अगस्त, ए फॉर एशियन, ए फॉर अगस्त का मंथ। ठीक है, एक मिला तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान सर किसको मिला, मंजू मेहता, मंजू मेहता कौन थे, एक सिंगर थे, मंजू मेहता कौन है, एक सिंगर है, मंजू मेहता कौन है, सिंगर है। ठीक है, तो इनको सिंगिंग के लिए एक अवार्ड मिला तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान क्या है, सिंगिंग का नाम है। तो तानसेन सम्मान, ये सम्मान का नाम कैसे रखा गया, पर तानसेन ना अपने टाइम के बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े क्या थे, सिंगर थे, तो उनके नाम पर ये क्या मिला, एक अवार्ड रख दिया गया, तानसेन बहुत बड़े सिंगर थे। ठीक है, तो तानसेन सम्मान किसको मिला, मंजू मेहता को, कब मिला, 26 दिसंबर 2018 को। ठीक है, एक मिला ग्लोबल टीचर प्राइज, ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 सर, इसके नाम से आपको ईयर भी याद हो जाएगी ऑटोमेटिक से, 2019 में ये मिला था। ठीक है, तो ग्लोबल टीचर प्राइज सर किसको मिला था, एक साइंस टीचर थे केन्या के, एक साइंस टीचर थे केन्या के, उनको एक ग्लोबल टीचर प्राइज मिला था। नहीं, इनको टीचिंग के मामले में बहुत, मतलब पूरी दुनिया का, ग्लोबल मतलब क्या, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड एक अवार्ड इनको मिला सर, पूरी दुनिया का बेस्ट टीचर इनको माना गया, पूरी दुनिया का बेस्ट टीचर इनको माना गया सर। कौन सा बेस्ट टीचर, साइंस का बेस्ट टीचर, क्या नाम था सर टीचर का, पीटर टबिची, पीटर टबिची, पीचर वो पीचर नहीं, पीटर टबिची, पीटर टबिची सर। कब मिला था, 24th मार्च को मिला था। और एक है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज सर, बुक बुकर, बुकर्स में बुक आ रहा है ना, तो ध्यान रखना, एक बुक के लिए इनको मिला था, एक बुक के लिए इनको मिला था सर। किसको मिला था, ज्वालचा महारती, ज्वालचा महारती, ये ज्वालचा महारती नाम है, ज्वालचा महारती क्या है, ऑथर का नाम है, ऑथर का नाम है सर। कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, इन्होंने बुक लिखी थी सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, तो इनको सेलेस्टियल बॉडीज के लिए एक मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला सर। कब मिला, 21 मई 2019 सर। याद नहीं हुआ, याद नहीं होगा बेटा ऐसे, ये तो अभी हमने रीड किया, केवल ये तो हमने केवल क्या रीड किया है ना, याद थोड़ी हो जाता रीड करने से, अब तो रीड याद करना पड़ेगा, अब तो रटना पड़ेगा इनको, तो समझ लिया, अब इनको रटना पड़ेगा, तो ये तो जी के है, इसको रटना पड़ेगा, तो इनको रट के हम क्या करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं सर। क्या एक रमन अवार्ड है, पहले अवार्ड्स के नाम, पहले देखो मैंने कैटेगरी जो बनाई ना चीज़ों की, याद रखो पहले मैंने नंबर वार बस कैटेगरी बनवाई थी, मैंने क्या कैटेगरी बनाई थी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो उन्होंने नंबर याद किया था, 10, 12, 24, 25, 27, 30। ठीक है, अभी ऑन द बेसिस ऑफ अवार्ड, तो अवार्ड के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे सर। कौन सा अवार्ड है, एक रमन अवार्ड है, रमन अवार्ड है, आँख बंद करके अभी मत, बुक में मत देखो, अभी हमने जितना रीड किया ना, रीड के बेसिस पर देखो ना कितना याद हो गया, आँख बंद करो अपने आप ही। ठीक है, अब मेरे साथ याद करने की कोशिश करो, आर फॉर रमन अवार्ड आपको याद रहा, एक रमन अवार्ड था, एक तानसेन अवार्ड था, एक तानसेन अवार्ड था, एक ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड था, यानी ग्लोबल टीचर प्राइज था। ठीक है, और एक मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज था, एक मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज था सर। आपको एज डेज याद नाम नहीं आ रहा, आपको ऐसे याद है सर, एक रमन नाम का अवार्ड था, एक मैन बुकर नाम का अवार्ड था, एक तानसेन नाम का अवार्ड था, एक टीचर का अवार्ड था। हाँ, तो अभी ठीक है, इतना भी सफिशियंट है, इतना भी सफिशियंट, अगर आपको इतना याद आ गया तो, अगर याद नहीं आया तो बुक में से आंखें खोलो, रीड करो ये अवार्ड। ठीक है, जो जो ग्रीन कलर में मैंने लिखे हुए, ठीक है।
ओके रीड कर लिया आपने? ठीक है सर, अगर रीड नहीं कर पा रहे हो ना, मैं आगे जा रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है? जहाँ पर भी मैं रीड करने की बोलूँ वहाँ पर वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है? ठीक है सर, रीड कर लिया। अब देखो किस किस को, अब ये अवार्ड किस किस को मिले, क्योंकि नाम भी तो एमसीक्यू में आ सकते हैं। मैंने दो दो कलर यूज किया ना, दो दो कलर का मतलब क्या, दो एमसीक्यू तो आपके इसी लाइन से बन सकते हैं, फिर थर्ड एमसीक्यू आपके ये नंबर बन जाएंगे, डेट बन जाएंगी, ठीक है? तो आपको याद रखते हैं सर। रमन अवार्ड किसको मिला? सर आर फॉर रमन, आर फॉर रवीश कुमार, ये तो आपकी ट्रिक भी ऐसे याद होगी। आर फॉर रमन, आर फॉर रवीश कुमार। सर रमन अवार्ड किसको मिला? रवीश कुमार को मिला। ये कौन थे? एक जर्नलिस्ट थे। सर कैसे मालूम पड़ेगा जर्नलिस्ट थे? बेटा मैंने बोला ना आपको बुक से भी एक बार रीड करना होगा, बुक से भी आपको एक बार रीड करना होगा, बुक में लिखा हुआ है कि ये जर्नलिस्ट थे, है ना? सर ये रमन अवार्ड के बारे में आपको भी कोई एमसी बोल सकते हैं? आप सब पूछ सकते हैं रमन अवार्ड कौन सा अवार्ड था। सर ये एशियन वर्जन में इसको नोबेल प्राइज बोलते हैं, एशियन वर्जन में यानी एशिया में, इसको एशिया में क्या बोलते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में इसको नोबेल प्राइज बोलते हैं, बेसिकली इंडिया में बोलते हैं इसको नोबेल प्राइज, ठीक है? नोबेल प्राइज तो एशियन वर्जन, ए फॉर अगस्त, तो आपका याद होना चाहिए सर, अगस्त के मंथ में मिला था, अगस्त के मंथ में मिला था। डेट डेट अभी याद नहीं रख रहे, डेट अभी याद नहीं रख रहे, अभी हम अवार्ड के नाम और इंसान का नाम याद रखते हैं। रमन अवार्ड रमेश कुमार को तानसेन सम्मान, अब आता तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान मिला था मंजू मेहता को, तानसेन सम्मान, तानसेन मंजू, तानसेन मंजू, तानसेन मंजू, ऐसे तानसेन अवार्ड, तानसेन सम्मान किसको ना, मंजू मेहता को, तानसेन मंजू, 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 ठीक है? फिर एक था टीचर प्राइज, टीचर का प्राइज, टीचर कौन थे? पीटर, पीटर टविची, पीटर टविची, पीटर टविची, यानी टीचर पीटर, टीचर पीटर, टीचर पीटर, टीचर पीटर, पीटर टीचर, टीचर पीटर, पीटर टीचर, टीचर पीटर, पता नहीं क्या पीटर पीटर हम कर रहे हैं, तो याद तो करना ही पड़ेगा, उठा ऐसे पीटर पीटर करके तो याद करूँ ना, टीचर पीटर, टीचर पीटर, गुड मॉर्निंग पीटर टीचर, गुड मॉर्निंग पीटर टीचर, ऐसे याद रखो टीचर को, है ना? तो पीटर टीचर, यानी टीचर अवार्ड किसको मिला था? पीटर को, किसको मिला था? पीटर को। सर अभी सर थर्ड एमसीक्यू और क्या बन सकता है? पीटर कहाँ के थे? पीटर कहाँ के थे? केन्या के, केन्या क्या एक कंट्री है, केन्या क्या है एक कंट्री है, तो कहाँ के थे ये? केन्या के, ठीक है? नाम याद हो रहे हैं ना, डेट बाद में याद रखना, डेट बाद में याद रखना, ठीक है? फिर एक है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, सर किसको मिला था ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज? जोल्चा महारती, जोल्चा महारती, सर महारती याद नहीं हो रहा, जोल्चा याद रख लो, एनसीपी में महारती आपको मिली जाएगी, ठीक है? तो बुकर अवार्ड का बुकर प्राइज किसको मिला था? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, जोल्चा महारती, जोल्चा महारती, जोल्चा महारती, जोल्चा की बुकर, जोल्चा की बुक, जोल्चा की बुक को बुकर प्राइज मिला था, जोल्चा की बुक को बुकर प्राइज मिला, जोल्चा की बुक को बुकर प्राइज मिला, जोल्चा की बुक को बुकर प्राइज मिला, जोल्चा की बुक को बुकर प्राइज मिला। बेटा ध्यान से सुनो, अगर मेरे साथ आप नहीं बोल रहे हो, मेरे साथ अगर आप नहीं बोल रहे हो, फिर आपका याद, फिर आपको याद नहीं हो पाएगा ऑनेस्टली, ठीक है? अगर आपने अब तक में जो भी मैं बोलते रहूँ 10, 12, 24, 25, 30, ठीक है, 10 हिंदी की डेट है, 10, 12, 12 इंडिया की डेट है, अगर आप ये नहीं बोल रहे हो मेरे साथ, अब तक नहीं बोला आपने मेरे साथ, तो आपने अपना आधा पौन घंटा, एक घंटा जो भी हमने अभी तक पढ़ाई सर आपने वेस्ट किया है, बिल्कुल ही वेस्ट किया है, बिल्कुल ही वेस्ट किया है आपने, ठीक है? बिल्कुल ही वेस्ट किया है आपने, अगर मेरे साथ आप नहीं बोल रहे हो तो। याद करना है तो बोलना पड़ेगा, बाद में मुझसे मत कहना सर सर याद नहीं हुआ, क्योंकि आप याद नहीं कर रहे हो। याद करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बोल बोल कर, और अगर ऐसे नहीं कर रहे हो फिर बाद में मत कहना कि याद नहीं हो रहा, ठीक है? बाद में मत कहना कि याद नहीं हो रहा, बाद में मम्मी से ही मत कहना कि याद नहीं हो रहा है, क्योंकि याद हो नहीं रहा है, आप याद कर नहीं रहे हो, जब करोगे तब याद होगा, आप अगर याद नहीं करना चाहते हो तो नहीं होगा यार, याद करने के लिए थोड़ा बोलना पड़ेगा, समझ में आया? बिना बोले याद नहीं होगा, तो बोल रहा हूँ अगर आपने अभी तक नहीं मेरे साथ बोला है तो सच्ची में आपने बहुत टाइम आपने वेस्ट किया है। वीडियो को दोबारा से देखो और क्या करोगे फिर, ठीक है? तो हमने देखा था रमन अवार्ड आर फॉर रवीश कुमार को मिला था, तानसेन मंजू को मिल रहा था, और टीचर पीटर थे, और बुकर में जोल्चा थे, ठीक है? अब इनकी डेट, अब डेट में थोड़ा हाँ चक्कर पड़ेगा, रमन को 2 अगस्त को, रमन को 2 तारीख को, रमन को 2 तारीख को, रमन को 2 तारीख को, अगस्त कैसे याद रखोगे? अगस्त तो आपका किससे याद हो जाएगा? एशियन से, ए फॉर एशियन, है ना? तो रमन को 2 तारीख को अवार्ड मिला था, रमन को 2 तारीख को अवार्ड मिला था, तानसेन को 26 तारीख को अवार्ड मिला था, पीटर को 26 तारीख को अवार्ड मिला था, जोल्चा को 21 तारीख को अवार्ड मिला था, जोल्चा को 21 तारीख को अवार्ड मिला था। हाँ अब इनकी भी डेट अगर आप याद कर सको पहले की तरह, तो बेसक लो 2/21/24/26, 2/21/24/26, पर मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा डेट याद रखोगे तो पुराने वाले से कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका,
दस बारह चौबीस पच्चीस सत्ताईस तीस है ना, उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कैसे रखोगे अवार्ड्स में, क्या करोगे अवार्ड्स में? ट्रिक बनाना डेट की। डेट की क्या ट्रिक बनेगी? जो भी आपकी डेट्स है ना, सारी दो तारीख, सारी क्या है, सौ में दो तारीख है, सौ में क्या है, दो तारीख है, तो ये तो याद रखना, दो तारीख है, सौ में क्या है, दो तारीख है, तो दो तारीख तो लिख लेना, दो तारीख तो लिख लेना, दो तारीख तो लिख लेना, दो तारीख तो लिख लेना। फिर क्या करना, छः चार एक, 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 छः चार एक। बेटा तरीके हैं याद करने के ऐसे ही होते हैं, रटा इसी तरह से आता है। आपको थोड़ा नॉनसेंस लग रहा होगा, पर रटना इसी तरह से पड़ता है, ठीक है? समझाने के लिए आपको रीड करके बता दें कि कौन सा वर्ड किस चीज़ का है, मैंने समझा दिया, अब याद लेकिन इसी तरह से होगा, ठीक है? तो रमन कुमार दो तारीख को, तानसेन दो छः यानी छब्बीस को, फिर ग्लोबल टीचर दो चार यानी चौबीस को, मेन बुकर यानी दो एक यानी इक्कीस को, ठीक है? इस तरह से आपको याद करना होगा। मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, बना पढ़ाने के लिए मैं और पढ़ा दूँ, पर मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आप, मुझे पता है आपने मेरे साथ नहीं बोला होगा, ऑनेस्टली आपने 100% मेरे साथ नहीं बोला होगा, मतलब जितना मैंने बोला उतना नहीं बोला होगा, थोड़ा बहुत आपने बोला होगा पर जितना मैंने बोला उतना आपने नहीं बोला होगा। तो मैं चाहता हूँ इसी वीडियो को दोबारा से देखो, और दोबारा से देखने का जो जो मैंने रीड कराए हैं यहाँ पे कितने हो गए, सिक्स तो ये हो गए आपको स्पेस से, और आपको देखा जाए तो वन टू थ्री फोर ये हो गए, यानी टेन हमने कर लिए बुक में ही, आपके टोटल ट्वेंटी के आसपास आए, ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स, तो हमने टेन तो कर ही लिए हैं, यानी बुक के हिसाब से हमने काफ़ी कुछ कर लिए हैं दो चैप्टर में से। तो इन टेन को बुक से एक बार मैच करके रीड कर लेना, वीडियो दोबारा से देखनी बेटा, सुन लो। अगर आपको मैं एक लास्ट बार बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा, लास्ट बार बोल रहा हूँ, आपको समझना है तो समझ लेना, ठीक है? अगर आपने मेरे साथ नहीं बोल बोल के याद किया है तो वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है? पहले से वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है? और साथ साथ बोलना भी है, ठीक है? दूसरा, वीडियो देखने के बाद लर्न हो जाएगा ये, ठीक है? फिर लर्न होने के बाद ना आपको क्या करना है, एक बार यही टेन पॉइंट्स बुक में देखो, और इनको क्या करो, रीड करो, बुक से क्या करो, रीड खुद से करो, मम्मी से मतलब मम्मी रीड कराएं, खुद से रीड करो। करते हैं आज की, हैव अ गुड डे।